विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से निकली विश्व कल्याण के लिए धम्म यात्रा 101 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध भिक्खु इसमें शामिल है। 30 नवंबर को श्रावस्ती में होगा इसका समापन। आइए दिखाते हैं समता आवाज टीवी पर आपको यह खास खबर। विश्व शांति के साथ कल सुबह 15 नवंबर मंगलवार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्खुओं का दल श्रावस्ती के लिए रवाना हुआ। धम्म शिक्षण संस्थान शक्तिपीठ की ओर से धम्म यात्रा में करीब 101 बौद्ध भिक्खु शामिल हुए हैं। यह सारनाथ से श्रावस्ती तक 350 किलोमीटर की यात्रा कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। धम्म शिक्षण संस्थान के संस्थापक भंते चंदीमा थेरो के नेतृत्व में 101 बौद्ध भिक्खुओं ने श्रावस्ती पहुंचने का संकल्प लिया है। यात्रा में बौद्ध भिक्खु हाथों में तथागत बुद्ध के उपदेश लिखे हुए पोस्टर लेकर साथ चल रहे हैं। पूज्य भिक्खु चंदीमा थेरो जी ने कहा कि धम्म यात्रा विश्व शांति संदेश और भगवान बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए रैली के रूप में निकाली गई है। पूज्य भिक्खु चंदीमा जी ने बताया कि यात्रा के पड़ाव पर धम्म शिक्षा भी दी जाएगी। बौद्ध भिक्षु श्रावस्ती में जैतवन में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बौद्ध विश्व कल्याण व शांति के लिए विशेष पूजा और श्रम सूत्र का पाठ करेंगे। पर्यटन विभाग और लाइट ऑफ बुद्धा धर्मा फाउंडेशन की ओर से मंगलवार सुबह सारनाथ स्थित दवेक स्तूप के पास 7 देशों से 50 बौद्ध अनुयायियों ने विशेष पूजन अर्चन किया। संस्थापक अरविंद कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सेटिंग पार्ट 25 अक्टूबर से बोधगया से शुरू हुआ था। यह खास खबर आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी पर। खबर के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
कहाँ तक जाइए नमस्ते।